नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर एस न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार रोहित शर्मा ने आज शतक जड़कर इतिहास रच दिया, और वहीं हम जानेंगे कि आखिरकार 21 साल पुराना कौन सा यह महारिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा, और इसी के साथ 5 और महारिकॉर्ड उन्होंने तोड़े। तो आप लोग बने रहना हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। और वहीं अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी मानते हो तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और साथ में हमारे चैनल आर एस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ विशाखापट्टनम में जारी दूसरे वनडे मैच में भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी, और वहीं हम आपको बता दें कि ओपनिंग बल्लेबाज रोहित शर्मा और लोकेश राहुल की ताबड़तोड़ पारी जारी रही, और वहीं दोनों ने मिलकर 200 रनों से अधिक रनों की साझेदारी की। तो इस दौरान लोकेश राहुल ने काफी ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए 104 गेंदों में 102 रन बनाए, तो वहीं रोहित शर्मा ने खबर बोले जाने तक 133 बोलों में 154 रन बना लिए। और वहीं विराट कोहली ने काफी निराशजनक प्रदर्शन किया और वो पहली ही गेंद पर आउट हो गए, जिसके चलते वो आज अपना खाता नहीं खोल पाए। लेकिन दोस्तों बात आती है रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा ने काफी शानदार प्रदर्शन किया और उन्होंने 154 रनों की पारी के दौरान महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों के रिकॉर्ड तोड़े। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि आखिरकार उन्होंने कौन कौन से बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो दोस्तों इस लिस्ट में जो पहला रिकॉर्ड निकल के आता है वो ये है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ इस मैच में शतक लगाते से ही रोहित शर्मा ने सचिन तेंदुलकर का 21 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी हां दोस्तों, दरअसल सचिन तेंदुलकर ने 1998 में बतौर ओपनर एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा 9 शतक लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन रोहित शर्मा ने इस रिकॉर्ड को आज तोड़कर अपने नाम कर लिया है। तो ऐसे में ये जो रिकॉर्ड था वो 21 साल से सचिन तेंदुलकर के नाम पे था, लेकिन आज रोहित शर्मा ने ये कारनामा करके दिखाया। बाकी आप लोग यहाँ पे लिस्ट में देख पा रहे होंगे कि पहले स्थान पर रोहित शर्मा आ गए, दूसरे पर सचिन तेंदुलकर और तीसरे पर ग्रीम स्मिथ आते हैं 9 शतकों के साथ। तो वहीं अगर आगे बढ़ते हम लोग जाने दूसरे रिकॉर्ड के बारे में, तो जो दूसरा रिकॉर्ड टूटा वो ये है कि रोहित शर्मा साल 2019 में वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा 50 प्लस पारियां खेलने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। वहीं रोहित शर्मा ने विराट कोहली और शाई होप को पीछे कर दिया है। बाकी आप लोग यहाँ पे स्क्रीन के सामने लिस्ट में देख पा रहे होंगे कि रोहित शर्मा सबसे टॉप के स्थान पर पहुंच गए हैं, 12 बार उन्होंने 50 से ज्यादा रन बनाए, दूसरे स्थान पर हैं विराट कोहली और तीसरे स्थान पर हैं शाई होप। तो वहीं अगर आगे बढ़ते हम लोग बात करें तीसरे रिकॉर्ड के बारे में, जो तीसरा रिकॉर्ड आज के इस मुकाबले में टूटा वो ये है कि अब वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा ने 1368 रनों के साथ ही साल 2019 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी वो बन गए हैं। वहीं हम आपको बता दें कि विराट कोहली ने इस साल 1292 रन बनाए थे, जिनके इस रिकॉर्ड को रोहित शर्मा ने आज पीछे छोड़ दिया। बाकी आप लोग यहाँ पे स्क्रीन के सामने लिस्ट में भी देख पा रहे होंगे कि रोहित शर्मा जो है वो टॉप के स्थान पर आ गए हैं, विराट कोहली दूसरे स्थान पर हैं। तो वहीं अगर अब आगे बढ़ते हम लोग बात करें चौथे रिकॉर्ड के बारे में, जो चौथा रिकॉर्ड टूटा वो ये है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा बार छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी आज रोहित शर्मा ने तोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 29 छक्के लगाए। और वहीं महेंद्र सिंह धोनी की बात की जाए तो इस मामले में महेंद्र सिंह धोनी दूसरे स्थान पर आते थे, उन्होंने 28 छक्के लगाए थे वेस्टइंडीज के खिलाफ, लेकिन आज रोहित शर्मा ने 29 छक्के लगाते से ही इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो ऐसे में दोस्तों आप लोगों का क्या मानना है रोहित शर्मा के बारे में? आप लोग रोहित शर्मा के बारे में कुछ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखना, और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को दिखाई गई ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। भारत और वेस्टइंडीज के बीच में खेली जा रही है वनडे सीरीज, जहां पर पहले मैच में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा, और वहीं ये जो सीरीज है वो इस साल की अंतिम सीरीज भी है। और इस वक्त भारत और वेस्टइंडीज ही एक ऐसी टीम है जो कि वनडे सीरीज खेल रही है। तो वहीं इस साल वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों का फैसला भी इसी सीरीज में होने वाला है। वहीं हम आपको बता दें कि टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और उपकप्तान रोहित शर्मा के सामने एक मुश्किल चुनौती आ गई है। दरअसल यह चुनौती कोई और नहीं बल्कि वेस्टइंडीज के बल्लेबाज शाई होप। दरअसल चेन्नई में खेले गए पहले वनडे मैच में वेस्टइंडीज के ओपनर बल्लेबाज शाई होप ने शानदार शतकीय पारी खेलकर भारत की हार तय की थी। उन्होंने 151 गेंदों पर 102 रनों की पारी खेलकर वेस्टइंडीज को 8 विकेट से जीत पक्की करवाई, और वहीं इस सीरीज में उसे 1-0 की बढ़त भी दिलवाई। तो यह दोस्तों पहला मौका नहीं था जब वह वेस्टइंडीज के लिए जीत के नायक बने हो। इस साल उनके बल्ले से लगातार काफी रन बरसे हैं, और शाई होप की पारी ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को भी मुश्किल। बात करें तो विराट कोहली पहले और रोहित शर्मा दूसरे नंबर
नंबर पर काबिज है। वहीं इस लिस्ट में वेस्टइंडीज के शाई होप ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच को पीछे छोड़ते हुए तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। और वहीं विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच में मात्र 24 रनों का अंतर है, जबकि शाई होप और रोहित शर्मा के बीच में 43 रनों का ही अंतर है। तो ऐसे में अब पहले मैच में शतक जमाने वाले शाई होप ने अगर बाकी के दोनों मैचों में बड़ी पारी खेल दी तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि वो इस लिस्ट में पहले स्थान पर पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में पहले मैच में फ्लॉप होने वाले रोहित शर्मा और विराट कोहली को अब बाकी के ये जो दो मैच बचे हुए हैं इनमें अच्छी पारी और अच्छे रन बनाने पड़ेंगे, तभी इन दोनों में से एक खिलाड़ी होगा जो कि ज्यादा रन बनाएगा इस साल। तो वहीं अगर हम लोग बात करें कि इस साल वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की, तो विराट कोहली फिलहाल नंबर एक पर काबिज है। उन्होंने 24 वनडे मैच खेलकर 61 की औसत के साथ 1292 रन बनाए हैं। और वहीं रोहित शर्मा इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं, उन्होंने 26 वनडे मैच खेलने के बाद कुल मिलाकर 1268 रन बनाए हैं। और वहीं वेस्टइंडीज के शाई होप इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर आते हैं, जिन्होंने 26 वनडे मैच खेलकर 1225 रन बनाए हैं। तो वहीं कोहली ने जहां इस साल 5 शतक बनाते हुए 123 रन की सबसे बड़ी पारी खेली थी, तो वहीं 6 शतक बनाने वाले रोहित शर्मा ने 140 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली थी। और शाई होप की अगर हम बात करें तो उनके नाम इस साल 4 शतक रहे और उन्होंने सबसे जो ज्यादा रनों की पारी खेली वो 170 रन की पारी थी। तो ऐसे में विराट कोहली और रोहित शर्मा को काफी बड़ा तगड़ा झटका लग सकता है अगर बाकी के दोनों मुकाबले में शाई होप अगर अच्छा खेल जाते हैं तो। तो ऐसे में दोस्तों आप लोगों का क्या मानना है, क्या आपको भी लगता है कि शाई होप पहले स्थान पर आ पाएंगे या फिर नहीं, या फिर विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा में से ही कोई खिलाड़ी होगा जो कि पहले स्थान पर आएगा? आप हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को दिखाई गई ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार आईपीएल नीलामी से ठीक पहले शाई होप का एक बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे खतरनाक बल्लेबाजों को पछाड़ने की बात तक कही है। तो आइए चलिए जानते हैं कि आखिरकार उन्होंने अपने इस बयान में क्या क्या बोला। तो आप लोग बने रहना हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। और वहीं अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हो तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल आरिस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों हम आपको बता दें कि वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज शाई होप को यकीन है कि भारत के खिलाफ बुधवार को दूसरे वनडे के दौरान उनके कुछ साथियों की नजर आईपीएल नीलामी पर भी रहने वाली है। तो वहीं शाई होप का इरादा तो कुछ और ही है। जी हां दोस्तों, शाई होप से आईपीएल नीलामी से पहले एक सवाल पूछा गया जिसका जवाब उन्होंने ना में दिया। आईपीएल 2020 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी हम आपको बता दें गुरुवार को ही देता, यहाँ मैं भारत के खिलाफ सीरीज खेलने आया हूँ और मेरी वही एक प्राथमिकता है। और वहीं होप ने आगे बात करते हुए बोला कि उनका लक्ष्य 2019 में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में विराट कोहली और रोहित शर्मा को पछाड़ना है, ना कि आईपीएल पर ध्यान देना। तो उन्होंने आगे बात करते हुए ये भी कहा कि एक बल्लेबाज के तौर पर आप अधिकतम योगदान देना चाहते हो और अगर इससे टीम जीतती है तो अधिक संतोष होता है। उम्मीद है कि हम भारत के शीर्ष क्रम के विकेट जल्दी ही लेंगे और खुद एक बड़ा स्कोर खड़ा करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों विराट कोहली रोहित शर्मा का जो इस साल का सबसे ज्यादा सर्वाधिक रन बनाने का स्कोर है उसे शाई होप तोड़ना चाहते हैं, तो इसी के बारे में उन्होंने चर्चा की। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या शाई होप तोड़ पाएंगे उस रिकॉर्ड को या फिर नहीं? आप लोग अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को दिखाई गई ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगली एक और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो ओपनिंग जोड़ी के तौर पर हम सभी को दिख सकते हैं। तो ऐसे में आइए चलिए अब जानते हैं कि आखिरकार भारत की प्लेइंग 11 टीम क्या हो सकती है जो कि दूसरे वनडे मुकाबले में उतरेगी। तो जैसे कि आप सभी यहाँ पे स्क्रीन के सामने सभी नामों की लिस्ट देख पा रहे होंगे, उसमें होंगे रोहित शर्मा, मयंक अग्रवाल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केदार जाधव, ऋषभ पंत, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर और मोहम्मद शमी। तो ऐसे में यही वो 11 सदस्यों की टीम होगी जो कि आप लोगों को मैदान पर खेलती हुई नजर आ सकती है। तो ऐसे में दोस्तों आप लोगों का क्या मानना है, क्या इस टीम के साथ भारतीय टीम दूसरा
वनडे मुकाबला वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीत पाएगी या फिर नहीं, आप लोग अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना ताकि आप सभी को बताया जाए। तो ऐसे में दोस्तों क्या भारतीय 15 सदस्यीय टीम है, आइए चलिए, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को दिखाई गई ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। मिलेंगे अगली ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।